व्लॉग्स बाय सुलेमान, अभी सब्सक्राइब कीजिए व्लॉग्स बाय सुलेमान को, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, मजे में हैं। और कल हम लोगों ने देखा था जी आईपीएल का मिड शो, और उसमें डिवाइन भी थे, फिर उसमें एंड में लाइटिंग भी हाँ हुई, बड़ी प्यारी सी लाइट्स वगैरह। तो हमने जिक्र किया था कि फाइनल में सीएसके जीते थे जीटी से, गुजरात टाइटंस से। तो उसी का जो मैच है फाइनल, वो देखने फ्लाइंग बीस भी गए थे गौरव तनेजा भाई। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप ये वाला पर्टिकुलर व्लॉग भी देखें, तो इनके व्लॉग्स काफ़ी टाइम से देखे भी नहीं है। लास्ट हमने इनके बहुत व्लॉग्स की एक सीरीज स्टार्ट भी की थी, बहुत पहले देखते थे। खैर, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो देख लेते हैं इसको और देखने के बाद ही आपसे डिस्कशन करते हैं सारी। सो स्टे उधर। नहा के तैयार है, अभी निकल रहे हैं अहमदाबाद की और मोटा इंतजार कर रहा है। कल आपको बहुत लेट आए थे, तो मतलब हालत बहुत खराब थी, फिर लॉक की एंडिंग नहीं कर पाऊँ उसके लिए सॉरी। अहमदाबाद स्टेडियम वहीं पे फॉलो ये भेजे थे अंकिता वाजपेयी ने, थैंक यू सो मच। जल्दी खुल रहा है, मेरी गाड़ी नीचे आ गई है। तो ये रशी का राइड हाउस, ये है रशी का, अरे ये तो कलर्स रशी बड़ी हो गई, पेंसिल बॉक्स, वाओ। देखो पानी करो, पानी करो, छोटी बेटी क्यूट क्यूट। चलो भाई निकल रहे, थोड़ा लेट है पर सामान वामान है नहीं, एक ही बैग है, तो फट से सीधा एयरक्राफ्ट में ही लैंड करेंगे यहाँ से गाड़ी से। 12:52 हो चुका है, हमारी 1:20 की डिपार्चर है आज, तो सही में जाम भी गलत टाइम पे लगता है। जब जल्दी पहुंच गए जाम लग गया, फील नहीं हो रहा कि पहुंच गए, मतलब मैं लेट था बट फिर भी ठीक ठाक टाइम से पहुंच गया था। अच्छा, बहुत टेंशन होती होगी फ्लाइट होती होगी। मेरे से पहले कोई और ऑफिसर किसी और डिपार्टमेंट का था, उनके साथ उनकी काफी बहस हो गई, मेरा बैग पीछे पड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ सर मैं हमें हाथ जो लिटरली, मगर सर मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, 8 मिनट बचे खाली डिपार्चर का, 4 मिनट 3 मिनट में, मगर सर मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, फ्लाइट छूट जाएगी। फाइनली उस दफा निकाल रहे मेरे साथ एक एयरलाइन का बंदा था, कह रहा सर आप भागो मैं आपका बैग लेके आऊँगा। मैं भागा, वो मेरा बैग लेके आ रहा, बैग की चेन भी बंद हुई, बोला हम दोनों भाग रहे हैं ऐसा, मतलब क्या सीन हुआ एयरपोर्ट पे आज। रीच्ड अहमदाबाद। आज भी बारिश होगा? 2 दिन का आराम सर। आज शाम का है, अभी तो धूप निकली हुई है, लेकिन आज तो हो ही जाएगा मैच, चाहे 10 ओवर हो चाहे 5 ओवर, आज तो करा ही देंगे। क्या बात है भाई, किसका सपोर्ट कर रहा है? जीटी सीएसके, जीटी। अच्छा ये गुजरात, मतलब गौरव तनेजा और मैं कह रहा हूँ सीएसके को, मतलब तो सीएसके को ही कर रहा है। ये अच्छा सोच के लेके आया है, जोरदार। सारी जनता कह रही है आपके लिए मैच पोस्ट। डेविड डेविड कैसा भाई? यो डेविड, अरे लोग कह रहे हैं इनके पास बिग बैट था ना, जीटी सीएसके था एक, मुंबई इंडियंस का डेविड। कल मैंने 2 बजे सुन जा रही थी कि भाई एक टिकट एक्स्ट्रा है, मैं तो जा नहीं पा रहा, तो भाई मोटे के पास है ले लेना, तो वो टिकट दे दी, तो वाली टिकट नहीं मिली हमें, मोटे ने नई 3 टिकट अरेंज करी है। भाई सब कुछ हो गया इसको। इसको क्या हो गया? डेविड 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 उससे में से हमारी गुजराती खाना मेरा फेवरेट, ये वो ढोकला फाफड़ा वही है ना, पकड़ ली अभी निकलते हैं यहाँ से। 3 इडियट्स में देखा था भाई। डेविड आज मैच होने के पूरे चांसेस लग रहा है, सूरज अभी तक निकला हुआ है, आसमान पूरा साफ है, कल की जो बारिश हुई थी उसका पानी शहर में अभी तक भरा हुआ है, ये वो यादें हैं। हम लोग वही कह रहे थे अभी भगवान धोनी रन आउट ना हो जाए, अभी डबल लेने के चक्कर में लास्ट मैच में रन आउट हुआ था, पहले मैच में रन आउट हुआ था, और बोलते हैं 2019 का जो ओडीआई था वो 7-8 जुलाई को होना था, बट फिर वो 9 जुलाई जिस दिन मेरा बर्थडे है उस दिन हुआ था, 9 जुलाई को, उस दिन भी बारिश हुई थी, लेकिन रिजर्व डे में मूव किया गया था, आज रिजर्व डे है। लेकिन बेटा इंडिया जीती थी, हार गई थी भाई, 10 बॉल में 25 रन चाहिए तो कोई अच्छा। आज सुबह पिक्चर देखी थी, शुभमन गिल धोनी के पांव छू रहा था, लेकिन वो भी गंदा साइन है, कई धोनी ने उसको विजय भव का आशीर्वाद ना दे दिया क्योंकि जब महाभारत में अर्जुन जब युद्ध करना चाहता है ना, वो भी देख अर्जुन ही है, न्यू अपकमिंग है सर, श्रेष्ठ बल्लेबाज का भी अपकमिंग प्रिंस बोलते हैं उसको, और ये अपना वहां रथी भीष्म पितामह, बिल्कुल सेम सीन सेट हो गया है। तो भीष्म पितामह से जब अर्जुन आशीर्वाद लेना आता है ना, तो उसको विजय भव का आशीर्वाद दे देता है, तो वो रहा सामने मोटेरा इसके बीच में दिखाते हैं, ये रहा सामने अपना स्टेडियम जनता यहाँ से मोटेरा स्टेडियम। जर्सी भी लेनी है,
अबे चेन्नई का ले ले, मैं बता रहा हूँ ये ले ले चेन्नई का, गुजरात का साइज नहीं इसके पास, ले 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 ले। तो कह रहा चेन्नई ये नहीं लूंगा। आवाज़ आवाज़ एम साइज़ ही बड़ा साइज़ बड़ा साइज़ एक्सेल एक्सेल आ जाएगा। कितना रश है। हाँ अच्छा, इन लोगों को भी सही हो जाती होगी ना। एक्सेल 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 मिल गया और फिटेड आया पूरा। फ्लैग्स भी हैं। बहुत दूर नहीं है। कहीं पीछे गाड़ी पार्क करके ना, मेरे ख्याल से रश की वजह से। ये पोस्टर देखा और देखते मैं रुक गया कि ये तो मुझे लेके जाना ही जाना स्टेडियम में माई भाई के लिए। अब मुझे डर भी था कि भीड़ इतनी है नीचे और उसका भाई आगे जा रहा है कहीं हम लोग खो ना जाए। भाई मैं मोटेरा स्टेडियम पहले भी आया मैच देखने, बट इतनी ज्यादा भीड़, फुल पैक जैम हाउस था आज। हमें लग रहा शायद खाली होगा क्योंकि लोग कल बारिश हुई थी, आज शायद ना रुक पाए, वापस चले गए होंगे, लेकिन पूरा फुल था भाई। एक पाव रखने की जगह नहीं सड़क पे। सिक्योरिटी इंतजाम बहुत स्ट्रिक्ट है। मुझे पता था स्टेडियम के अंदर ज्यादा कुछ ले जाना अलाउड नहीं होता, कॉइन्स वॉइन्स पानी की बोतल कुछ भी अलाउड नहीं, हम कुछ लेके नहीं जाते। बट मैंने कहा ये पोस्टर्स तो हम लेके जा ही सकते हैं। पर हमने कहा इसमें क्या ही होगा भाई साहब, पोस्टर लेके हम अंदर जा ही रहे थे कि हमें किसी ने बोल दिया कि पोस्टर अलाउड नहीं है। क्यों? कहीं पैसा नहीं लिखा कि पोस्टर अलाउड नहीं है, बट वहाँ पे सिक्योरिटी वालों ने कहा कि पोस्टर अलाउड नहीं है। और ये पोस्टर भाई भाई का मैं फेंकना नहीं चाहता था क्योंकि बड़े मन से लिया था। पोस्टर में कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, भाई भाई का पोस्टर और लोग भी लाते हैं, बैनर्स वगैरह लिख कर भी ला रहे होते हैं, पता नहीं फैंस मिले होंगे। हाँ बहुत फेमस है, दिखाया नहीं होगा या मास्क का उतार लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है लेकिन धोनी भाई ने गिल के लिए कोई प्लान तो बनाया होगा आज। गिल को कैसे करना है, गिल को कैसे करेंगे किल? सेंचुरी के बाद ही चलेगा। गिल के लिए मिडिल विकेट खाली छोड़ दिया, एक सिंगल आराम से ले ले। बाउंड्री देखो बिल्कुल भाई पे बिल्कुल आप खाली कर दिया। देखा अब जैसे सहा स्ट्राइक पे आया मिडिल विकेट पे आ गया कौन भी, वैसे वो डीप मिडिल विकेट चला गया था। गिल का कैच छूट गया। से को बच्चे का भाई मिड विकेट पीछे ले लिया, सहा ने छक्का चौका दो मार दिए। सहा ने ऐसे होकर पहली बॉल पे सिमरन छक्का मारा, धोनी भाई आ गया हेलमेट बना के, दो बॉल फिर चौके, धोनी भाई पीछे, कौन भाई पीछे। क्रिकेट में इतनी जल्दी चेंज होता है, प्रेशर बना सारी फील्ड चेंज। आउट वो देखो सारी लाइन येलो। हां शुभम गिल स्टंप देखा था ना। धोनी की विकेट कीपिंग बहुत अच्छी। सीएसके के ज्यादा फैंस नहीं लग रहे। हाँ कितना मारा कर दिया, सबके ही होंगे वो। देखो ना फिर भरा आउट हो जाएगा भाई, वो फिर कितना तो मारेगा इसके मैच की स्टार्टिंग में। ऋतिमान साहब 60 मारेगा अभी, 53 पे खेल रहा हूं भाई। एज का छक्का लगा, मेरा ड्रीम शॉट है ये मेरा ड्रीम शॉट है भाई, एज का छक्का वाइड लेग पे। एक हेमंग बड़ा नहीं था पता है, वो ऐसा ही मारता था आड़ा टेढ़ा चौका। वो खुश हो रहे हैं। जीटी करे तो ये खुश होता है, सीएसके करे तो गौरव। लास्ट बॉल है भाई, क्या होगा भाई, चौका मार दे तो बढ़िया लगेगा। सिंगल वो दास इनिंग्स ब्रेक ये हमने देखा था ना, जो कल देखा था ये सारा। देखो आगे देखो, इतना तो बारिश में कवर नहीं किया, पूरा स्टेडियम अभी कवर कर दिया, कुछ होने वाला क्या होने वाला पता नहीं। कल हम कह रहे थे ना प्रोजेक्शन कहाँ से हो रही। तीन बॉल पड़ी और बारिश हो गई शुरू, मैच हो गया स्थगित। अब जनता क्या करे, जनता हो रही थी फ्रस्ट, डीजे ने बजाना शुरू कर दिए गाने, और जो बड़ी स्क्रीन पे हो गया भैया जो भी डांस करा वो बड़ी स्क्रीन पे आएगा, तो बड़ी स्क्रीन बनाने के चक्कर में पूरा स्टेडियम चालू कर दिया। करो ये चेन्नई सपोर्टर, वापस करो भाई वापस, कोई नहीं लेगा भाई कोई नहीं लेगा। अबे गुजरात की क्या हालत हो गई, फ्री में झंडे बांट रहे हैं चेन्नई का, खरीदो मैं फैन खरीदो मैं फिर क्या वापस।
बारिश हो गई है, काफी तेज बारिश। स्टार्ट होने से पहले गजब की तेज हवा चली, हम सब सारे खुश भाई, क्या हवा, मस्त जैसे मजा आया। इतनी जोर की हवा चली ना कि बारिश का टाइम भी जो ग्राउंडमैन थे उनको पिच कवर करने के लिए जो कवर था ना वो कवर उड़े जा रहा था, तो पीपल मतलब वो लेट गए थे कवर को पकड़ा हुआ था कि अच्छा ये बड़ा मसला होता है बारिश, इसलिए वो बोल रहा था ना कल बंदा बारिश ना करना क्योंकि वो खराब हो, देखो ना वो खराब हो जाता है। अबे देखो सारा सेटिंग कर, पहली विकेट गई। क्या हुआ, उड़ गया, आउट हो गया वो। ये कॉपीराइट इश्यूज की वजह से नहीं दिखा रहा। एमएस धोनी क्या एमएस धोनी का क्या है, तो क्या बात है भाई, क्या बात है, झंडा 11 बॉल 20 रन भाई, एमएस धोनी आउट हो गए थे। नहीं नहीं कुछ आया तो था, चेन्नई जीतेगा लास्ट ओवर 14 रन जाएंगे भाई, बन जाएंगे। गुजरात के फैंस निकलना पहले चालू हो गए, क्यों भाई गुजरात के फैंस जा रहे हैं भाई, गोल में चौका चलिए नहीं तो कहां जा जाएंगे यार। सिंगल हुआ, तीन पे 11, ओहो सिंगल ही हुआ। अब 10, दो बॉल पे 10 था, लेकिन एमएस धोनी की टीम ना। ये क्या है, छक्का मार दिया। अब 4 चाहिए, हाँ हाँ अच्छा हमने नहीं देखा हुआ ना, तो हम इनके थ्रू देख रहे हैं। एक्साइटमेंट लेवल देखो, डाई हार्ड फैन है। और गुजरात वाले ने भी किया, वी लेफ्ट क्विकली। ओहो अच्छा इसीलिए जल्दी निकल रहे थे। मैच देखने के बाद यहीं पे आ चुकी है, सुबह के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 का 3 बज गए क्या यार, सब सारे जॉइंट्स अंदर आके समय भरे हुए हैं। हम लोग अभी गए थे बर्गर किंग, हमने खाना तो वहाँ से खा लिया, अभी चाय पीने आए। बर्गर किंग में ऐप में दिखा रहा है क्लोज, तो बर्गर किंग भरा हुआ अंदर, जगह ही नहीं है। मैं आज गए बॉल में पैसे वसूल होगा भाई टिकट के, नहीं बहुत बहुत भाई खतरनाक। 3 बॉल में 11, 2 बॉल में 10, 1 बॉल में लेट फॉर दिल्ली टुडे। ओके यार, सो बड़े मज़ेदार वीडियो है, और जैसे कि मुझे लग ही रहा था कि गौरव भाई जो है ना वो CSK को सपोर्ट कर रहे होंगे, और उनके फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि कितने डाई हार्ड फैन है। और सबसे मजे का जब गुजरात टाइटंस में कोई छक्का चौका मारता था उनके फ्रेंड हूटिंग करते थे, और जब CSK जब कोई करता था तो फिर गौरव जो है वो करते थे हूटिंग। तो बड़े मजे का उन्होंने एक फन माहौल क्रिएट किया हुआ था, ज्यादा दिखाया नहीं उन्होंने खेलते हुए क्योंकि इश्यूज कॉपीराइट के हो जाते हैं। तो बारिश भी हो गई थी, बारिश हुई, फिर वही मिड शो जो हमने कल देखा था वो भी बीच में आया,
और सारी उनकी एक्साइटमेंट हमको देखने को मिली, कितना बंदा, पूरा क्राउड था वहां पे, पूरा फुल। एक तो कहते लास्ट में आए थे तो उतना क्राउड नहीं था, इस बार बहुत ज्यादा क्राउड है, पोस्टर नहीं लेके जाने दिया। पोस्टर का बड़ा उनको अफसोस हो, 1.25 लाख बंदा होता है इसमें यहाँ पर। और दूसरा ये है कि MS फिर मतलब जिस तरह टीम एंड में जीती, उनको 2 बॉल्स में 10 चाहिए थे, छक्का लगाया, फिर अगले पे चौका लगाया, बड़े मजे का था। हमने पहले नहीं देखा था, हमने इनके साथ ही देखा है, इसको सुना था जरूर कि इस तरह से जीते हैं। तो बाकी ये कि एंड पे 2:30 बजे वो फारिग हुए, सुबह के ही कह सकते हैं उसको, और बर्गर किंग फुल था वहाँ पर। तो बड़ा मज़ा आया देख करके, और बहुत सारे लोग कह रहे थे यार ये आपने देखना है, और हमें भी बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम फ्लाइंग बीस्ट का व्लॉग देख रहे थे। तो आप में से जिन्होंने लाइव एक्सपीरियंस किया होगा उनको भी बहुत मज़ा आया होगा, और टीवी वालों को भी आया होगा। तो कौन कौन लाइव वहाँ देखने गए थे हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी आपने हमारे IPL रिलेटेड वीडियोज नहीं देखी जो कल परसों आई थी, वो भी देख लीजिएगा, रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब और माय ब्लॉग पे जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटो शॉर्ट्स एंड अपडेट्स के लिए। सो इसी तरह आपके लिए नए नए रिएक्शन लाते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा।